हालेलुया। इस सिस्टर का नाम बलजिंदर कौर है और छे मोदल गांव के रहने वाले हैं। और इस सिस्टर की गवाही छे जे बता रहे कि 10 दिन हो गए थे इनको पीरियड की प्रॉब्लम थी और जो बता रहे कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे कि पहले जब इनको पीरियड आए थे तो इनके मन में था कि सिर्फ 3 दिन नॉर्मल है, पर 3 दिन के बाद इनको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा थी, और जिसके कारण जो बता रहे कि इनका सिर भी भारी होना शुरू हो गया और जो कुछ भी ये खा रहे थे इन्हें कुछ भी नहीं पच रहा था। इतना ज़्यादा जो बता रहे कि प्रॉब्लम आ गई थी इनकी बॉडी में, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी कि ये बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये सिस्टर काफ़ी समय से प्रभु पर विश्वास करते थे, जो 12 साल से विश्वास करते थे और अदर चर्च जा रहे थे, पर जो इनका विश्वास नहीं बढ़ रहा था कि कैसे परमेश्वर के साथ अपना विश्वास जे दें। और जे बता रहे कि जे अलग अलग डॉक्टर से मेडिसिन भी ले रहे थे पर फिर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इनकी फैमिली थी जो, तो वो कह रहे थे कि हो सकता है जे प्रेग्नेंट हो, जिसके कारण इन्होंने ऐसे बेबी किट को इन्होंने खाया है जिसके कारण इनको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग है। पर इन्होंने जे भी अपनी फैमिली में बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पीरियड्स जो आ रहे बिना मतलब कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया, ऐसे ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी का प्रभाव था इनकी बॉडी में जो कि इतनी ज़्यादा इन्हें ब्लीडिंग हो रही थी और मेडिसिन भी खा रहे थे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जैसे कि इनके घर में से सभी ने बातें कर रहे थे तो जिसके कारण जो काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि जो जानते थे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और जो परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप मुझे इस प्रॉब्लम से आज़ाद करने वाले हो। तो जैसे कि जो अदर चर्च जा रहे थे और जो इनकी प्रेयर थी और जो अपनी उस समय जो नेगेटिव प्रेयर कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे अच्छा कर दो, मेरे ऊपर दया करो, पर जैसे किसी ने इनको सुसमाचार दिया और जैसे जो पिछले संडे फर्स्ट मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और जो बता रहे कि जैसे जो मीटिंग में आए तो जो बता रहे कि उस दिन ही जैसे जब फर्स्ट टाइम जो मीटिंग में आए तो जो मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो टीम ने भी इनको उत्साहित किया, क्योंकि जो उस समय मीटिंग में बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि जितना ज़्यादा रो रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स के कारण जो बहुत परेशान थे, क्योंकि उस दिन भी इनको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, इनको बहुत ज़्यादा इनका सिर भारी था और जो बता रहे थे कि इनसे चला भी नहीं जा रहा और बॉडी में इतनी वीकनेस हो गई और 10 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, पानी भी नहीं इन्हें पच रहा था, और जो बता रहे कि उससे समय इनको वॉमिटिंग्स हो जाती थी और इतना ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गई थी। और जैसे टीम ने इनको उत्साहित किया कि आप ऐसा विश्वास करें, परमेश्वर आज ही आपको फ्री करेंगे, अच्छा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सम्मत आज ही आपको छुएगी। और जैसे इनको जितना टीम ने उस दिन सिखाया, टीच किया और इन्होंने विश्वास किया, और जो बता रहे कि जैसे जे वर्शिप सॉन्ग में अपनी अपने मन को इन्होंने परमेश्वर के साथ लगाया और उसी दिन ही जो बता रहे कि परमेश्वर की सामर्थ और ग्रेस ने इस बहन को छुआ, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते थे। और उसके बाद ये लगातार फिर इनको पर्सनल मंडे की मीटिंग में जब बुलाया गया तो इनको और भी जो इस मिस्ट्री की जो पॉजिटिव प्रेयर के बारे में इनको उत्साहित किया गया कि आज से अपने धन्यवाद करना है, क्योंकि इन्होंने बताया कि संडे के दिन ही परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छू लिया था, जो कि इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, संडे के दिन ही वो ब्लीडिंग बंद हो गई थी, रुक गई पूरी तरह से, बता रहे उसी दिन ही परमेश्वर ने इनको छुटकारा दे दिया था। और जो कि 10 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, पानी भी नहीं पच रहा था, पर उसी दिन इन्होंने विश्वास से जहाँ से लंगर को शका खाना खाया और जो बता रहे कि खाना भी इनको पूरी तरह पच गया, जो कि पानी नहीं पच रहा था। और जैसे फिर पर्सनल मंडे की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, फिर और भी इनको टीम ने और परमेश्वर के दास ने भी टीच किया कि जो इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव प्रेयर है, तो जो लगातार जो कि इस हफ्ते की 6 दिन की प्रेयर रखी गई थी भवन में, जो लगातार इस प्रेयर में आ रहे थे और लगातार जो पॉजिटिव प्रेयर कर रहे थे कि जैसे कि परमेश्वर ने इनको इस हालात से पूरी तरह से आज फ्री कर दिया, और प्लस जो कि इनको सही टीचिंग नहीं थी इनके पास कैसे प्रेयर करनी है, कैसे परमेश्वर को अपना विश्वास देना है, जो प्रार्थना में इनका मन नहीं लगता था, और आज इस प्रॉब्लम से परमेश्वर इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया है। तो सिस्टर जी आप थोड़ा बताइए कि अभी आपकी प्रॉब्लम कैसी है। मैं सिस्टर पहले तो सब तो पहला पापा जी नू जान सी थी, सारी कलीसिया नू जान सी थी जी। सिस्टर मैं पहला नालों बहुत ही वधिया हो चुकी और जो आपको पीरियड ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी अभी बिल्कुल सही है।
मेनू एतवार तो ही बिलकुल ही सही हो चुकी हूँ मैं। तो जो खाना नहीं बच रहा था अभी पूरी तरह सही है। हाँ जी, अभी आप खाना खा रहे हैं उस दिन से। हाँ जी, तो जो आपको पॉजिटिव प्रेयर के बारे में टीच किया सिखाया उसके बारे में अभी आपने बताया कि जैसे प्रेयर नहीं होती थी, अभी आप प्रेयर हो रही है आपसे। हाँ जी, मैं जिस तरह मेनू तुम दसिया उस तरह ही मैं प्रेयर कर दी अपने घर दे विच भी ते इत्थे भी। पहले आपका मन नहीं लगता था? नहीं। और अभी? अभी बहुत ज्यादा मेरा मन भी लगता वा। तो सच में कलीसिया जो कि 12 साल से जो प्रभु पर विश्वास कर रहे थे और इन्हें समझ नहीं आ रही थी और 10 दिन की इतनी ज्यादा इनकी जो भयानक प्रॉब्लम आ गई थी नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण, इनके पीरियड्स बहुत ज्यादा इन्हें आ रहे थे और जो बता रहे कि जो खाना नहीं इन्हें पच रहा था, आज पूरी प्रॉब्लम से परमेश्वर ने अपनी समझ से इनको छुआ और उस क्रेज के द्वारा परमेश्वर ने इनको छुटकारा दे दिया। हम जोर से कलीसिया अपने हाथों को हिलाते खुशी से तारीफ करेंगे उस परमेश्वर की। खुशी से कलीसिया कितने लोग इस गवाही को रिसीव करते हुए धन्यवाद करें और अपने हाथों को हिलाते हुए जितना ऐसे छोटे बच्चे का होना चाहिए उससे ज्यादा बड़ा है। तो उस समय से जो बता रहे कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, बहुत ज्यादा जो इसका इलाज करवा रहे थे, तो जिसके कारण जो बता रहे अभी इनका जो बच्चा है 1.5 साल का हो गया है। तो जो बता रहे कि उस समय से जो चल 1.5 साल हो गया, जो प्रॉब्लम के कारण जो इतनी ज्यादा इसकी बॉडी में कमजोरी थी, वीकनेस थी, जो बच्चा खड़ा भी नहीं हो सकता था, एक सेकंड भी नहीं खड़ा होता था। जो बता रहे जैसे इसको खड़ा करते तो जो बता रहे कि इसके जो बहुत ज्यादा रोना शुरू करता क्योंकि इसकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होती थी, क्योंकि जब पैदाइश के समय इसकी बॉडी में जो प्रॉब्लम आ गई थी तो उस मेडिसिन को जो जैसे जो ट्रीटमेंट करा रहे थे तो जो बता रहे कि बॉडी में बहुत ज्यादा अभी भी कमजोरी थी जिसके कारण जो खड़ा नहीं हो पाता था, बहुत ज्यादा रोता था। और जो बता रहे कि इनके मन में बहुत ज्यादा जो डर था कि जे तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा तो जो चले फिरेगा कैसे, और जो बहुत परेशान थे, पर इनके मन में जैसी सोच बनी थी और जो लगातार इसका इलाज तो करा रहे थे पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और जो बता रहे कि जैसे इन्होंने संडे की मीटिंग को उस दिन अटेंड किया तो जो बता रहे उसी दिन ही जो कि इनका बेटा खड़ा नहीं हो पाता था और उसी दिन ही परमेश्वर ने इस बच्चे को भी अपनी सामर्थ्य से छुआ जो खड़ा नहीं हो पाता था और आज ये खड़ा भी हो रहा है और चल फिर भी रहा है। हम देख सकते हैं कलीसिया जो कि एक ये बच्चा एक मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हो पाता था, बहुत रोता था, और हम देख सकते परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बच्चे को छुआ है और अभी ये पूरी तरह चल रहा है। कलीसिया ये परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य है जो कि 1.5 साल से ये बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा था, बहुत रोता, आज हम देख सकते कितना खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने टांगों के बाहर पूरी तरह से खड़ा हो पा रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सच में कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए हम सब तारीफ करेंगे। कलीसिया जोर से तारीफ करेंगे। कलीसिया हम देखते हैं कि ये पूरी तरह चल रहा है और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। तो सिस्टर जी आप बताइए, जब आपका बेटा खड़ा भी नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता, तो आपके मन में कैसी सोच विचार आती थी? जैम सीधी पापा जी, सारी कलीसिया ने जैम सीधी, मेरा बेटा जब तो चल नहीं सी सकदा, पिछली 13-14 तारीख नू मेरे हस्बैंड ने ते मेरी बेटी ने इनू वेड़े दे विच खिला रिया, ते मेरा बेटा बिलकुल भी खलो नहीं सी सकदा, ते ए उच्ची उच्ची रोंदा ही, एक मिनट भी नहीं सी खलोंदा। ते पिछले संडे जदों मैं चर्च दे विच आई ते मैं अपने बेटे नू इत्थे छड्डिया, मेरा बेटा बहुत ही वधिया खलोता अते तुरन वी दया पिया। तो सच में कलीसिया जे नॉर्मल गवाही नहीं है क्योंकि इनके लिए परमेश्वर ने बहुत ही बड़ी अपनी सामर्थ्य को इनके जीवन में प्रकट किया है। सच में आज इनका बेटा खड़ा भी हो रहा है, चल भी रहा है, जो कि 1.5 साल हो गया था इनका बेटा खड़ा नहीं हो पाता था, टांगों में दर्द होती थी, और आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इनको आजाद कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे। क्या नाम है आपका?
बलजिंदर कौर। आप इसी गांव में, इसी गांव में रहते हैं, इसी एरिया में? हाँ जी। आप पिछले हफ्ते आए थे ना पहली बार? हाँ जी। वैसे तो आप प्रभु में 4 साल से विश्वास करते थे, है ना? 12 साल से। देख लो भाई, बोलो क्या है? 12 साल का विश्वासी तो दूसरों को, लोगों को चंगा करने वाला होना चाहिए। हाँ, और जब राज्य की समझ अच्छे से ना हो तो यही होता है, फिर इंसान सफर करते हैं। पर यहां पे मैं आपको कितनी परमेश्वर के राज्य की बातें कितना समझाता हूं, कितनी बारीकी से एक एक चीज आपको सिखाता हूं। अदर से आओ, आपको बुलाते हैं मीटिंग में आओ। हाँ, जिस किसी के हालात है, अगर कोई नहीं आया, उसे कॉल जाती, उसे उसकी कितनी शुद्धि ली जाती है, ली जाती कि नहीं ली जाती, बताओ मुझे। यहां पे ऐसा कोई भी है जो कहे नहीं हमको कभी कॉल नहीं आई जी? कितनी आपकी शुद्धि ली जाती है? पहली बार आया, पहले सबसे पहले इसकी पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, उसकी सांस बोल रही थी, तुमने कोई किट वगैरह, इसलिए वो क्या नहीं, रुक नहीं रही ब्लीडिंग। पर पहली बार आई यहां पे, खुदा की ग्रेस काम करती उसने शुआ। फिर उसके बारे जो ये प्रार्थना करती थी, उस प्रार्थना के लिए सबसे पहला पॉइंट ने समझाया कि ये नहीं है जो आपको सिखाया गया, जो प्रार्थना हुई है, आज से ये नहीं करना, चंगा करो, ये ठीक करो, आज से ये धन्यवाद करना, ये ठीक हो चुकी है, ये मेरी ब्लीडिंग बंद हो चुकी है। ऐसे किया ना, फिर ऐसे ही कहना शुरू किया जी, पापा जी। और जैसे ही कहना शुरू किया, कितने दिन बाद बंद होगी? उसी टाइम। ओ, देख लो पॉजिटिव प्रेयर का कितना जबरदस्त रिजल्ट है। करते हो सारे? करते हो सारे? हाँ। फिर डेढ़ साल का बच्चा है? डेढ़ साल तो ऊपर है। डेढ़ साल से भी ऊपर है, कभी भी ये खड़ा भी नहीं हो पाया, चलना तो दूर की बात, खड़ा भी नहीं, 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाता ये। इसी विश्वास ने, इसी बात को जो सिखाया गया कि परमेश्वर ने टीच किया ना, ऐसे नहीं कि बस हाथ रख दिया जी प्रार्थना कर दी, पहले परमेश्वर के राज्य के बारे से टीच किया गया, समझाया गया है। जब तक समझ नहीं आई, आपको पता, अब मरकुस 9 में पढ़ोगे तो यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया जिसके बेटे को मिर्खी की दौरे की ऐसे दुष्ट आत्मा पड़ थी, और वो बच्चा जब यीशु मसीह के पास लेकर आए तो यीशु मसीह तो नहीं मिले, चेले मिले, तो चेलों ने प्रार्थना की, पर उसकी हालत उस दुष्ट आत्मा ने और भी ज्यादा बाइबल में लिखा उसने खराब कर दी। सुनो ध्यान से, तब तक भीड़ लग गई, तब तक यीशु मसीह भी आ गए, और उस बंदे ने आगे से कहा मैं अपने बच्चे को तेरे पास लेकर आया था पर तेरे चेले उसे चंगा नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह ने कहा हे अल्पविश्वासियों, कब तक तुम्हारे में साथ रहूंगा, अपने बच्चे को मेरे पास लेकर आ। जब यीशु मसीह के पास वो सामने लेकर आया अपने बच्चे को, तो यीशु मसीह के सामने भी, ध्यान से सुनो मेरी बात, यीशु मसीह के सामने वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे को तोड़ मरोड़ रही थी। यीशु मसीह के सामने भाई, किसी पास्टर, किसी प्रॉफिट और अपोस्टल की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नियम की बात कर रहा हूं। उसके सामने भी दुष्ट आत्मा क्या कर रही थी, त्रोड़ मरोड़ रही थी। जब यीशु मसीह ने आत्मा में, ऐसे आत्मा में अनुभव किया ना, आत्मा की परख से, कि इस बंदे के अंदर जरा भी इतना विश्वास नहीं है, ये कुछ भी समझ नहीं है से परमेश्वर के राज्य के, भाई लिखा बाइबल में, तब यीशु मसीह ने टीच करना शुरू किया। टीच का मतलब परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाना शुरू किया। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी मैं परमेश्वर कौन हूं तो मैं अपनी सामर्थ्य से क्या कर दूंगा, क्योंकि नियम का परमेश्वर, कितने मेरी बात समझ रहे हैं। और नियम के अनुसार जब यीशु मसीह ने उसे टीच किया, उस बंदे को जब 10-15-20 मिनट लग गए तो बंदा अक गया। जैसे कई बार हम वचन सुनते हैं तो कई बार थोड़ा टाइम ऊपर जा रहा है तो बंदा क्या हो जाता है, तो ऐसे जब टाइम थोड़ा लगा तो उसने कहा प्रभु की गल्ला गुल्लाइयां, कभी ये कर वो कर, ऐसा कर ये कर, अगर कुछ कर सकता है तो हम पे तरस खा, इसे अच्छा कर जिस काम के लिए है, तू हमें कौन सी कहानियां बताकर ऐसे है, ये है परमेश्वर का राज, ऐसे करो, ऐसे विश्वास करो।
समझ रहे मेरी बात? और जब यीशु मसीह ने उसे कहा ये तू मुझसे क्या कहता है, अगर कुछ कर सकता है, उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए, पर उसका नियम भी समझाना पड़ेगा। इसे समझाया गया है इसके बारे और इसके बच्चे के बारे में। जब समझाया गया, टीच किया गया, सिखाया गया, जैसे यीशु मसीह ने उसे सिखाया, तब बंदा यीशु मसीह के पैर ही पड़ गया और कहता हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय करो। तब यीशु मसीह को पता लगा अब ये लाइन पे आ गया है, तब और उत्साहित किया, बोला फिर अब अपने बच्चे को मेरे सामने लेकर आ, वही दुष्ट आत्मा जो त्रोड़ मरोड़ी थी। तब यीशु मसीह ने उसे डांटा और निकली, वो फ्री हुआ बच्चा। बोलो क्या हुआ? वो मुर्गी की दुष्ट आत्मा छोड़कर गई और बच्चा फ्री हो गया। उसी तरह से ये फ्री हो गया है, ये भी बच्चा क्या हो गया है, जो डेढ़ साल से ज्यादा कभी भी दो मिनट नहीं खड़ा होता था। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? यही तुम चाहे आज पहली बार क्यों नहीं आए, बस खुदा के राज्य को समझना है, उस रीति से विश्वास करना और उसे धन्यवाद करना देना है, मेरे लिए हो गया है। बोलो क्या मेरे लिए हो गया है? तो लिखा हो जाएगा। तारीफ कर दो जोर से।